हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड यस अनदर 9 to 5। तो हाउ वाज माय 9 to 5, कैसा रहा आज का दिन एंड क्या टारगेट मैंने सेट किया था, कितना मैंने कंप्लीट किया, कितना मैंने अचीव किया, कितनी मेरी इफ़ेक्टिव स्टडी हो पाई आज। स्पेशली मैं आपको बताऊँगी कि आज क्या हुआ, स्पेशली कितनी इफ़ेक्टिव स्टडी हो पाई एंड क्या मेरा शेड्यूल था, क्या मैंने प्लान किया एंड अकॉर्डिंगली वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। फर्स्ट मैं बता दूं कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर CA फाइनल ग्रुप 2 नवंबर 2022 एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं, बहुत का मतलब बहुत ही ज़्यादा। अब तो स्ट्रेस का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब इस पर्सनली मेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है एंड क्योंकि अभी सिलेबस को कम्प्लीट करने का वो लग रहा है कि यार जल्दी से सिलेबस कम्प्लीट हो जाए एंड एटलीस्ट कम से कम एक बार तो रिविज़न हो जाए सिलेबस का पूरा, क्योंकि इट्स सेप्टेम्बर एंड एंड अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ मैं। तो रिवीजन का क्या होगा, कैसा होगा, तो बाद में डिस्कस करेंगे इसका कि हाँ कैसे कर सकते हैं। बट अभी आज का जो है वो मैं बता दूँ कि मैं आज बैठी मॉर्निंग में 9:30। मैं थोड़ा सा लिटिल बिट आज लेट हो गई थी एंड 9:30 पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। मॉर्निंग में जो मैंने प्लानिंग की थी कि आज मैं क्या करूँगी, तो मैंने आज सोचा था कि यस मैं IDT का सब्जेक्ट लूँगी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन CA फाइनल का। एंड IDT में भी मैंने सोचा था कि मैं ITC करूँगी, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। एंड मैं घर से यही प्लान करके आई थी कि हाँ मैं आज ITC का घर से मैं ITC का आज मैं क्लासेस करूँगी। तो मतलब ITC की क्लासेस इन सेंस कि जो हमारे यूट्यूब पे है फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर्स पढ़े होते हैं, लाइक मैं देखती हूँ कभी कभी यशवंत मंगल सर की क्लासेस देख लेती हूँ, कभी कभी महेश गौर सर की क्लासेस देख लेती हूँ। तो डिपेंड करता है, तो मैं जिस तरह से टाइम रहता है वैसे मैं लेक्चर्स कर लेती हूँ। तो आज मेरा प्लानिंग पूरा प्रॉपर प्लानिंग यही था कि मैं जाके वहाँ पर क्लास करूँगी बिकॉज़ इट्स सैटरडे एंड बहुत ज़्यादा हम लोगों का हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है पूरे वीक में, जस्ट 9 to 5। तो मतलब लग रहा था कि यस वीकेंड भी है, तो थोड़ा सा वो रहता है ना कि हाँ वीकेंड है तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और क्लासेस कर लेंगे, सुन लेंगे उसके बाद फिर। तो मैंने यही सोचा था। बट जब मैं यहाँ लाइब्रेरी में आई तो मैंने देखा कि मैंने अपना ईयरफोन नहीं लिया था। तो अब लाइब्रेरी में बैठ के क्लासेस तो हो नहीं सकती थी, बेसिकली मेरे पास नेक बैंड है तो वो नेक बैंड मैं अपना घर पर भूल आई थी। तो अब मैं मुझे तो करना था ITC, मैंने सोच रखा था तो मुझे ITC ही करना था। देन मैंने सोचा कि क्यों नहीं क्वेश्चन बैंक पे स्विच करते हैं, क्योंकि ITC ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहली बार मैं कर रही हूँ, मैंने पहले भी ITC का चैप्टर किया है तो हाँ कर सकते हैं। बट मुझे ITC चैप्टर से मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने हिम्मत करके जो मैं सोची थी कि हाँ मैं बहुत थोड़ा सा रिलैक्स होकर क्लासेस को सुनूंगी, आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा, स्मूथली निकल जाएगा, तो जस्ट अपोजिट हो गया। ITC का क्वेश्चन बैंक ना मतलब ITC चैप्टर का क्वेश्चन लगाना तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब आप बहुत जैसे कहते हैं ना माइंड से बिल्कुल स्ट्रांग हो, प्रिपेयर हो कि हाँ आज मैं कोई टफ चैप्टर लूँगा या फिर टफ चैप्टर लूँगी, तो वो ऐसा चैप्टर है, वो ऐसा दिन होना चाहिए जब आप मेंटली बहुत इस्टेब्लिश हो कि हाँ आज मैं कोई टफ चैप्टर कर पाऊँगी। तो फिर अब कोई ऑप्शन नहीं था, ITT मैंने प्लान किया था कि मैं ITT में ITC करूँगी। तो फिर मैंने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट किया एंड ITC में मैं बता दूँ कि उसमें 62 क्वेश्चंस हैं टोटल। हाँ, तो जब मैंने जिन लोगों ने पहले प्रीवियस मतलब अतुल अग्रवाल की क्लास, अतुल अग्रवाल के बुक्स लिए होंगे तो उसमें पहले ITC और एक लास्ट का चैप्टर होता है कंप्यूटेशन ऑफ GST, उसमें एक चैप्टर था जैसे दिसंबर 2021 में आई थिंक आई थी उनकी बुक या फिर उससे पहले, मतलब जब भी आई थी फ्री ऑफ कॉस्ट थी तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था। तो उसमें एक चैप्टर था कंप्यूटेशन ऑफ GST करके, तो कंप्यूटेशन ऑफ GST में पूरा चैप्टर पूरी GST आपसे पूछता है, मतलब पूरी की पूरी GST। तो आप लाइक उसमें आपको सप्लाई भी पता होना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई भी पता होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई भी पता होना चाहिए, आपको एग्जिबिशन भी पता होना चाहिए, आपको वैल्यूएशन भी पता होना चाहिए एंड देन आप GST की लाइबिलिटी निकाल सकते हो। आपको RCM का आना चाहिए, आपको कंपोजिशन आना चाहिए, इट मींस कि वो कंप्यूटेशन ऑफ GST में आपको सब कुछ आना चाहिए। तो इस टाइम जो सर ने किया है वो कंप्यूटेशन ऑफ GST का कोई भी चैप्टर नहीं है हमारे मतलब ITT की बुक में। जिन लोगों ने अभी ये वाली बुक खरीदी होगी रिसेंटली, जैसे मैंने परचेज़ किया, जिन लोगों ने ये बुक परचेज़ की उनको पता होगा कि इस वाले बुक में कोई भी कंपटीशन ऑफ GST का कोई चैप्टर नहीं है। एंड देन मैंने GST का जब क्वेश्चन बैंक लगाना स्टार्ट किया तो फिर वो लास्ट में जो इस बार 62 क्वेश्चन है उसमें जो 30 क्वेश्चन है वो कंपटीशन ऑफ GST के हैं एंड 30 क्वेश्चन आपके ITC के हैं।
ओ माई गॉड, मतलब दिन की शुरुआत भी हुई तो मैं जितना मैं चाह रही थी कि आज मैं बहुत टफ चीज़ नहीं करूँगी, आज मैं कोई बहुत हैक्टिक चीज़ नहीं करूँगी, उतना ही हैक्टिक होता चला गया। इट मीन्स पहले मैंने ITC लिया एंड ITC में जस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ GST था, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो पहला हम लोगों का क्वेश्चन आता है GST में 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, वो जो कॉम्पिटिशन ऑफ GST जिसमें पूरी GST आपसे पूछ लेते हैं, वो उस चैप्टर में था। एंड फाइनली जब मैंने लगाना स्टार्ट किया तो यस, जो हमारे सेक्शन थे लाइक सेक्शन 17, सेक्शन 18, ठीक है, इन सारे सेक्शंस के जो क्वेश्चन थे, और आपको ITC के लिए मतलब जो जनरल क्वेश्चन है कि ITC आपको कब मिलेगा, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखें, ये सारे क्वेश्चन तो निकलते गए, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं था। बट जैसे ही हमारा रूल 42 और 43 शुरू होता है, तो रूल 42 एंड 43 जो है वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है मुझे, क्योंकि एंड लाइक मैंने उसके कोई भी क्वेश्चन नहीं किए, मतलब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे रूल 42 43 के एंड इतने बड़े क्वेश्चन थे, और मुझे रूल 42 43 बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब मुझे स्पेशली रूल 42 43 के लिए शायद एक दिन देना पड़े, क्योंकि मतलब उसके क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते हैं, बट वो मतलब इतना ज़्यादा मुझे टीडियस लगता है, इतना ज़्यादा मतलब उसमें T1 T2 T3 एंड आपके टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड, मतलब वहाँ पे कैपिटल गुड को 60 मंथ से डिवाइड करना एंड देन आपको जो ITC है उसको वर्ड करना, तो मतलब रूल 42 43 जस्ट अ बिग डील फॉर मी, एंड उसके लिए मुझे स्पेशल ही मतलब बहुत कोई दिन निकालना पड़ेगा कि हाँ मैं ITC के लिए रूल 42 एंड 43 देखूँ। तो जितने भी मतलब टोटल 62 क्वेश्चन जो हमारे ITC के चैप्टर में हैं, उसमें जो रूल 42 एंड 43 था, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं किया, बिल्कुल भी का नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं किया, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मतलब आज का दिन ऐसा उल्टा होता क्या कि मैंने सोचा था कि मैं जितना लीनियंसी के साथ करूँगी, थोड़ा चिल करूँगी, वो चीज़ें उतनी ज़्यादा हार्ड उतनी ज़्यादा टफ होती गई। एंड देन जब क्वेश्चन नंबर 30, 32, 35 या 40 पे मैं पहुंची, देन मुझे समझ में आ गया कि ये कॉम्पिटिशन ऑफ GST का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में ऐड कर दिया गया है। एंड नाउ कॉम्पिटिशन ऑफ GST को लगाना अपने में ही बहुत बड़ा हैक्टिक चीज़ है। जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मतलब उसमें सब कुछ पूछ रहा था, TDS आपका TDS हो गया मतलब GST का जो कटता है, एंड उसमें टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन, वैल्यूएशन और सब कुछ। मतलब मुझे क्वेश्चन करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बीच में मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि मैं बस जस्ट लाइब्रेरी से निकल के चली गई चाय पीने। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं भाग जाऊँ कहीं, इतने टफ क्वेश्चंस थे उसमें, और मुझे मतलब बिल्कुल भी रिकॉल नहीं हो रहा था कि हाँ इसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि जैसे कोई भी चीज़ आपको RCM में पे करनी है, तो फिर उसका लाइबिलिटी निकालना, मतलब टोटल क्वेश्चन निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। तो मैं बताऊँ कि आज का दिन जो था वो मेरा बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रेस में पूरा दिन बीता। बस मुझे लग रहा था कि कितनी जल्दी 5:30 हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि क्वेश्चन एक के बाद एक, जब मैंने ITC को क्वेश्चन फ्लिप करना स्टार्ट किया, पेजेस को फ्लिप करना स्टार्ट किया, तो वो इनिशियल क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा टफ, नेक्स्ट क्वेश्चन और टफ और टफ और टफ। तो मतलब जो मेरे पेशेंस का बांध है वो जस्ट टूटने वाला था कि जस्ट मैं यहाँ से अब निकल के भाग जाऊँ। और मतलब मन एकदम नहीं कर रहा था कि हाँ पढ़ाई करो। अगर मैं घर पे होती, मैं सीरियसली बताऊँ, अगर मैं घर पे बैठ के पढ़ाई कर रही होती तो मैंने कब का बुक बंद करके मैं सो गई होती। मतलब लेकिन अब मेरी मजबूरी थी कि मैं लाइब्रेरी में थी, और यहाँ मतलब सोना आपके लिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको बैठना ही बैठना है। तो जब आप बैठे हो तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे ही, देखोगे ही बुक्स को। तो ये बस इस रिस्ट्रिक्शन से मैं बंधी हुई थी, अदरवाइज़ आज का दिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक था। एंड मैंने जो अपनी पढ़ाई है वो स्टॉप की है 5:30 पे, एंड 5:30 पे जस्ट मैंने स्टॉप कर दिया, क्लोज़ कर दिया। एंड जितने भी एक अच्छी बात ये हुई कि अगर मैं लाइक जैसे ईयरफोन लेके आती, नेक बैंड लेके आती, तो मैं क्लासेस करती, तो क्लासेस जब मैं करती तो फिर मुझे जैसे मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा खुद का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो जैसे मैंने रूल सेक्शन 17 किया, 17 किया, सेक्शन 18 किया, तो 17 में जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ब्लॉक जहाँ पे आपका ITC है वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, लाइक आपका लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछता है, जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछता है कि आपको उस पर ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्पेशल अगर आप एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है तब तो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। एंड एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है जो मल्टीपल टाइम हर
क्वेश्चन में एक पॉइंट वर्क कॉन्ट्रैक्ट का हो जाता है। तो एंड केटरिंग का एक आता है, केटरिंग में भी आपको है कि हाँ आपको मतलब GST की लाइबिलिटी होगी कि नहीं होगी एम्प्लॉयर की। तो मतलब ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मतलब रिपीटेटिव आपसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे थे। तो मतलब समझ में आ गया कि हाँ सेक्शन 17 में ये जो चीज़ें हैं ये रिपीट करके पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देना है। एंड क्वेश्चन सेक्शन 18 का जो क्वेश्चन था वो भी अच्छा था, मतलब वो तो ठीक है, मतलब सेक्शन 18 तो कर लिया था, बट ये है कि रूल 42 एंड 43 बिल्कुल भी नहीं हो पाया। बिल्कुल भी का मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो क्वेश्चन अगर मैं देखती थी यहाँ कि रूल 42 एंड 43 पे जस्ट मैं फ्लिप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जा रही थी। मतलब इतना ज़्यादा मुझे, एक क्वेश्चन मैंने उसमें ट्राई किया था करने का, बट वो इतना ज़्यादा हैक्टिक, इतना ज़्यादा टीडियस हो गया था, मेरे जस्ट मेरा सर दर्द होने लगा कि मुझे चाय पीने के लिए जाना पड़ गया। तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ शायद तो मतलब अभी टोटल जैसे कंप्यूटेशन ऑफ GST भी पूछ रहे थे, तो शायद मैंने कर लिया है, सप्लाई भी कर लिया है, टाइम ऑफ सप्लाई भी कर लिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर लिया है, मैंने एग्जिमिशन भी कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे वो माइंड में अभी तक, क्योंकि रिविज़न नहीं किया है, सिर्फ एक बार कर लिया है, तो वो शायद चीज़ें अभी तक दिमाग में बैठी नहीं है, इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको रिकॉल नहीं कर पा रही थी। लाइक मैं जो हमेशा कहती हूँ कि हाँ मैं प्रोविजन को एप्लीकेबल नहीं कर पाती क्वेश्चन में, तो फिर से वही मैं लैक कर रही थी, वही प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा चैप्टर से कुछ पूछ लिया गया था जो मैंने अभी तक नहीं किया, वो चैप्टर मैंने अभी तक टच ना किया हो, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है और रिफंड को छोड़ के, हाँ GST में लाइक रिफंड हो गया एंड एक दो चैप्टर और होंगे, तो ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है, बट फिर वही सेम प्रॉब्लम की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो पा रही थी प्रोविजन की क्वेश्चन में। तो दैट्स वाई मेरा सर इतनी तेज़ दर्द होने लगा ना कि हाँ मैंने, मतलब आपको लगता है ना सब कुछ किया है उसके बाद भी आप क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो फिलहाल ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ। तो आज का दिन मैं कहूँगी बिलो एवरेज, एवरेज नहीं, बिलो एवरेज गया। एंड जैसे तैसे करके मैंने अपना, मतलब 5:30 बजे तक मैं बैठी रही एंड मैंने खुद को पेशेंसली होल्ड किया कि नहीं अब जा नहीं सकते हैं, यहाँ बैठना है, करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके ऑलमोस्ट वो मैं रूल 42-43 के सारे क्वेश्चंस को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 62 तक मैं पहुँच गई। एंड उसमें एक दो कॉम्पिटिशन का, एक दो क्या मैं कहूँगी, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल भी मेरा, दैट वॉज नॉट कप माई कप ऑफ टी, वो क्वेश्चन बिल्कुल भी मेरा नहीं था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने फ्लिप कर दिया, उसको पेज भी फ्लिप कर दिया, मैंने कहा नहीं नेक्स्ट करते हैं। तो ऐसे करके, तो फिलहाल आज जो मैंने ITC पे समय दिया है अपना एक दिन, तो मुझे चीज़ें समझ में आ गई। एंड नेक्स्ट मुझे क्या करना है फॉर द दिस ITC चैप्टर, बेसिकली मुझे जो बहुत अच्छे से करना है वो ये है कि मुझे रूल 42 एंड 43 करना है। एंड रूल अगर 42-43 मैं नहीं करती हूँ तो ITC का मैं क्वेश्चन उसमें लगा नहीं पाऊँगी, ये तो मुझे पता चल गया। एंड बाकी अगर मैं आज मैं अगर रिवीजन लेक्चर देखती तो शायद मुझे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, मतलब जो चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में करनी है उसका रिवीजन लेक्चर देखने से शायद इतना क्लियर नहीं होता। तो शायद अच्छा हुआ कि मैं अपना नेकबैंड घर पे भूल आई और मैंने ITC का जो चैप्टर था उसका क्वेश्चन बैंक लगा लिया, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एज अभी टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, लाइक जैसे अभी सेप्टेम्बर एंड हो गया है एंड हम लोगों ने पूरा भी सिलेबस भी कम्प्लीट नहीं किया है। मे बी आप लोगों का हो क्या होगा, बट फॉर मी, मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे किसी का पता नहीं है, फ्रेंड्स में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, मतलब किसी से मैं पूछती नहीं हूँ क्योंकि पता है किसी को पूछना एंड अगर उसका नहीं हुआ है तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन होना है, तो इसलिए किसी से बात भी नहीं होती है ज़्यादा, तो पता नहीं है। बट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सेप्टेम्बर एंड आ गया है और कुछ भी अभी, मतलब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें सिलेबस मेरा पूरा कम्प्लीट हो गया हो एंड मतलब रिवीजन किया जाए उसका, तो मतलब बोलने में भी डर लग रहा है कि आज सितंबर आ गया और अभी तक कोई भी मतलब सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि और इस पहले से और अर्ली अगर पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दी होती तो शायद हो जाता। अभी फ़िलहाल फिर भी होप नहीं छोड़नी है, अभी जस्ट एक मंथ है, इट्स 24 सितंबर और हम लोगों के जो ग्रुप 2 के एग्ज़ाम है वो 10 नवंबर से स्टार्ट है, तो अभी हम लोगों के पास 1 महीने हैं, अच्छे से किया जा सकता है। एंड वो लोग जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मैं आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर पा रही हूँ, थोड़ा सा भी अपनी जर्नी शेयर करके मैं आपको बता पा रही हूँ कि देखिए मोनोटोनस हो जाता है, मेरे साथ भी आज ऐसा ही हुआ, जस्ट मन कर रहा था यहाँ से भाग जाएं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई की, बट मैंने खुद को होल्ड ऑन किया लाइब्रेरी में
एंड जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तब पढ़ाई करना और रुकना बहुत बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो फिर भी मैं रुकी यहाँ पे कि हाँ मुझे करना है नेक्स्ट करते तो शायद अगर मैं जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था रूल 42-43 का मैं वहीं छोड़ देती तो शायद मैं आगे के क्वेश्चन जो मैंने किए वो ना हो पाता। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट होता है, खुद को थोड़ा सा टाइम दो, चाय पीने निकल जाओ, जो लोग चाय लवर हैं एंड जो नहीं पीते हैं वो कॉफ़ी पी सकते हैं या फिर उनको जो पसंद है वो कर सकते हैं, आप चॉकलेट्स खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड इनकेस आपको कोई भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन करना होता है, क्वेरी करनी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं इंस्टा पे या तो आप मुझे यहाँ भी कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।